अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का एम के डी चैनल में खैर मुकदम करता हूँ। इस खबरनामे को पेश करता है मेंस अफेयर्स मेंस वेयर एबिट्स एमपीएम मॉल बिसाइड बिग बाजार, जहां पर ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट जैकेट दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना तालाब चंचलम कॉरपोरेटर। आज यहां पर रेलवे ट्रैक पे एक हादसा हुआ है, जहां अब्दुल रहमान नाम का बच्चा जो 26 साल का है, ऑप्टिकल वर्कर है, काले पत्थर पे रहने वाले है, वो अपने दो दोस्तों के हमरा यहां पर आया था, अनवर और जावेद है, और ये तीनों बच्चे मिलके फोटोग्राफी कर रहे थे, और उस असना में ये बच्चे की जो ना मौत हो गई है, और वो दो बच्चे जो अनवर जावेद है दोनों को पीएस को लेके गया है। अब उसकी पूरी छानबीन करेंगे, क्या है, क्या वजह है, क्या एक्सीडेंट ऐसा हुआ या कुछ आपस में क्या था, ऐसी कोई तो महसूस नहीं हो रही बातचीत, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, तीनों दोस्त थे कहते आपस में, कोई ऐसी रंजिश वाली बात नहीं थी, मगर इतफाक़ी हादसा है वो ऐसा हुआ। मगर मैं सबसे कहना चाहूँगी कि रेलवे ट्रैक के पास क्या ऐसा फ़ोटोग्राफी का क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये अक्सर ऐसा ही हो रहा, बच्चों को जो है ना फोटोग्राफी लेने के लिए कहीं भी ट्रैफिक में रहने दो, नल के पास, हर जगह नदियों के पास, एक ऐसा शौक उठ गया जिसकी वजह से देखो काफ़ी है ना अपनी जान से वो हो जा रहा, हाथ धोना पड़ रहा। अब 26 साल का यंग बच्चा सा वो हो गया, उनके फैमिली के लोग काले पत्थर के कितने परेशान हैं, वो लोग कितना उनकी अपन तकलीफ समझ सकते हैं। तो आप सबको, आप लोग भी बच्चों को रोकिए, ताकि सब रेलवे ट्रैक नदियों नालों के पास से दूर हटिए, हर जगह ले सकते फोटो, वहीं जाना क्या ज़रूरी है लेने के लिए, क्या ऐसी बात है। नहीं मैडम, आए दिन ऐसे और ऐसे पहले भी हुए, चंद दिन पहले ही हुए हादसे। इससे पहले जो हादसा हुआ था वो दोनों का हुआ था, वो दोनों जो है ना थोड़ी नशे की हालत में थे, और वो आपस में झगड़ा कर लेते हुए हो गया। ये तो फोटोग्राफ लेने के लिए हुआ, तो इसके लिए कोई एक्शन वगैरह क्यों? हम लोग एक्शन ले लिए हैं, पूरी हम लोग एक्शन ले लिए हैं, पूरा दीवार वहाँ से यहाँ तक आ गई तकरीबन, अब थोड़ी सी बाकी है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगी 15 दिन के अंदर। ये रोड और ये फेंसिंग का जो काम है रेलवे डिपार्टमेंट का है, जीएचएमसी से उनको पैसा भी सैंक्शन किया गया है, और यहाँ पर काम थोड़ा रुका हुआ है, और इंशाल्लाह वो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वो रेलवे से ही डिले होते जा रहा काम यहाँ पर, इस असना में इंशाल्लाह ये हो जाएगा कंप्लीट काम। क्या बात है।